आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना हमें यहाँ पर प्रश्न दिया है यदि टी का मान चौसठ है और जी का मान टी का घात 2 बटे तीन धन 4 टी का घात ऋण एक बटे दो है तो जी का मान हमें यहाँ पर से क्या मिलेगा यहाँ पर हमें जी का मान के लिए इस प्रश्न के चार विकल्प दिए हैं चलिए इस पहले प्रश्न को हल करते हैं हमें सबसे पहले क्या दिया है वो देखते हैं टी का मान चौसठ तो मैं चौसठ को कैसे लिख सकती हूँ आठ का वर्ग ठीक है या फिर चार गुण दो का वर्ग मतलब कि दो के दो का क्या है यहाँ पर से आ जाएगा चौस, दो का यहाँ पर दो का घात छ इस प्रकार से हो जाएगा ठीक है ये क्या हो जाएगा धोखा वर्ग गुण दो मतलब घात दो तीन का वर्ग दो ठीक है ये इस प्रकार से होगा अब मुझे प्रश्न में किसका मान निकालना है जी बराबर टी का घात दो बटे तीन धन, चार टी का घात ऋण एक बटे दो इस तरह का से दिया है चलिए इसे हम पहले हल कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे यहाँ पर एक घात अगर मुझे एक्स दिया है और इसका घात ऋण y दिया है तो ये क्या हो जाएगा एक बटे एक आघात गा x इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग लगाएंगे तो g का मान क्या हो जाएगा t का घात दो बटे तीन धन एक बटे चार टी का घात एक बटे दो इस रूप में हो जाएगा ठीक है यहाँ पर से मैं क्या लिख सकती हूँ का घात दो बटे तीन धन एक बटे चार का घात एक बटे दो और टी का घात एक बटे दो अब हम जानते हैं क्या कि किसी का भी घात अगर घात एक बटे दो है तो उसको हम क्या लिखते हैं वर्गमूल ए इस प्रकार से तो यहाँ पर से मुझे जी का मान क्या मिल जाएगा का घात बटे, बटे वर्गमूल चार गुणित का घात एक बटे दो ऐसा होगा ठीक है तो यहाँ पर से मुझे क्या मान मिल गया का घात दो बटे तीन धन एक बटे दो इसका मान दो होगा और का घात एक बटे दो अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर का मान रखती हूँ ठीक है का मान हम क्या रखेंगे दो का घात तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा दो का घात घात दो बटे तीन धन एक बटे दो गुणित दो का घात और घात एक बटे दो ठीक है अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं अगर एक का घात एक्स है और इसका घात वाई है ये और ये पूरे का घात वही है ना तो क्या हो जाता है एक का घात एक्स गुणित वाई तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर जी का मान क्या आ जाएगा <coughs> दो का घात गुणित दो बटे तीन धन, एक बटे दो गुणित दो का घात गुणित एक बटे दो ठीक है तो यहाँ पर से इसमें कट गया कितने बार में दो बार में यहाँ पर से तीन बार में ठीक है तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है दो का घात दो दुनी चार धन, यहाँ पर से क्या हो जा रहा है एक बटे दो गुणित दो का घात तीन इस प्रकार से हो रहा है अब देखिए यहाँ पर हम लोग कौन सा सूत्र लगा सकते हैं का घात एक्स यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा का घात एक्स धन वाई यहाँ पर हमारे सिर्फ घातांक के मान चेंज हो रहे बदल रहे हैं बाकी मान बराबर है तो इस प्रकार से हो जाएगा तो यहाँ पर मुझे जी का मान क्या मिल जाएगा जी का मान दो का घात चार धन एक बटे दो का घात इसका क्या घात है एक तो क्या हो जाएगा एक धन तीन ठीक है और यहाँ पर दो का घात चार धन एक बटे दो का घात चार अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर से इसका सार्वसम लेती हूँ तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा दो का घात चार यहाँ पर मैं इन दोनों को जोड़ जोड़े तो ये क्या होगा दो का घात चार का वर्ग हो जाएगा क्यों क्योंकि इसका गुणित ये हो जाएगा तो इसका वर्ग होगा पूरे का और ये एक ठीक है तो यहाँ पर से मुझे क्या मिल गया बिल्कुल हम लोग कौन सा सूत्र लगाए ये वाला वापस से तो मुझे यहाँ पर से क्या मिला दो का घात आठ धन एक बटे दो का घात चार ठीक है तो यहाँ पर से मेरे पास क्या मान आ गया है दो का घात आठ क्या होता है दो सौ छप्पन दो सो छप्पन धन एक बटे में दो का घात चार क्या होता है सोलह तो यहाँ पर से मेरा उत्तर क्या आ रहा है दो सो संतावन बटे सोलह ठीक है ये मेरे पास किसका मान आ रहा है जी का ठीक है अब आते हैं हमारे प्रश्न के विकल्प की ओर ठीक है यहाँ पर हमें क्या क्या मान दिया हुआ है देखते हैं इकतीस बटे दो तैतीस बटे दो सोलह और दो सो संतावन बटे सोलह तो हमारा चौथा विकल्प जो है इस प्रश्न का उत्तर है आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया है धन्यवाद ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर